आज जो है हम भावपटना स्केच बोले तो आदमी को जो है आवाज उठाने का, बात करने का हक है। आज हिंदुस्तान में ऐसा स्थिति है कि फैसिज्म का जो फोर्सेस है, बात करना ही बंद करने के लिए, आदमी का गला बंद करने के लिए जो एफर्ट चल रहा, जो काम चल रहा, इसके खिलाफ जो है हमारे को बहुत लड़ना है। आज गौरी लंकेश और कलबुर्गी अंसारे, अब जो है दो तीन साल में तीन चार बहुत बड़े आदमियों जो हैं, जो सोचते हैं, जो लिखते हैं, जो आदमी के बारे में बात करते हैं, भविष्य समाज के बारे में बात करते हैं, उन लोगों को जो है हत्या कर दी। क्यों हत्या कर दी? इनका गलती क्या है? इनका कसूर क्या है? तो ये की बात है कि वो बात करते हैं और बात ऐसे करते हैं कि गरीबी के बारे में बात करते हैं और आज जो स्थिति है उसकी अगेंस्ट बात करते हैं, संघ परिवार के जो एक्टिविटीज है उसके बारे में बात करते हैं, मसा महत्व आदमी का रिलीजन के बारे में बात करते हैं। तो आज जो है आदमी अगर आगे जाना है तो बगैर बात करे, बगैर उनका फ्रीडम रहे और बगैर स्वेच्छा वो कोई सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा। इस आज कर्नूल में जो हम ये मीटिंग रखे हैं, इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि आदमी को ये भाव प्रकटना जो है, जो बात करने का जो फ्रीडम है, ये क्यों होना चाहिए? हम सब मिलके लड़ना चाहिए और लड़ने का जो हक है वो हक से ही सोसाइटी आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान में जो है वो तो हक दिए हैं, ये हक को हमारे हम उसके लिए प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वो हक को आगे लेना जाना पड़ेगा। नहीं तो जो है फैसिज्म अगर आए तो हिटलर के जमाने में जो हत्या चले, हिटलर के जमाने में जो लाखों लोग मार डालेंगे, वैसा ही स्थिति आ जाएंगे। इसको इससे हमारे को देश को बचाना है, इसको मुल्क को बचाना है। ये बचाने के लिए जो है ऐसा डिस्कशन तो काफी चलना चाहिए, हम सब लोगों को मिलके झुलके लड़ना चाहिए।